जनता पार्टी जी राम मंदिर निर्माण के लिए जी सदा प्रतिबद्ध है। जी वह आम सहमति या कानूनी रास्ते से निर्माण की पक्षधर रही है और रामलालों की भव्यता के साथ साथ समाज के भव्य मंदिर को भी उसी रूप में बनाने की तैयारी हम सबको करनी चाहिए, जिस प्रकार से भव्य मंदिर के रूप में रामलालों का आयोजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन लीला का आयोजन हम इस रूप में करते हैं। आरएसएस प्रमुख ने ये बयान दिया है कि सरकार मंदिर के लिए कानून बनाए। मैं समझता हूँ ये आरएसएस प्रमुख का जो बयान है ये 4.5 साल लेट आया है। ये तो उसी वक्त 2014 में आना चाहिए था कि जब शपथ ग्रहण हुआ था उसके बाद आ जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ हमारे देश के अंदर जिस तरीके से भावनाओं से खेला जा रहा है ये अफसोसनाक भी है और चिंताजनक। हम चाहते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और फैसला कोर्ट के माध्यम से होना चाहिए। हिंदुस्तान का मसला है हिंदुस्तान का मसला है, हिंदुस्तान का को जो है हिंदुस्तान के ही कोर्ट में जो है मुकदमा चल रहा है, तो फैसला जो कोर्ट करेगा उसको पूरा मुसलमान मानेगा और बाहर कोई भी कानून बने उसके लिए कोई भी कानून लाया जाए मुसलमान उसको मानेगा नहीं। और जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, जो अयोध्या का मामला सभी जानते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए उस पर हम सब लोग अमल करें और यही नेशनल इंटरेस्ट में भी यही बात सबसे ज़्यादा हम लोग समझते हैं कि मुनासिब है।